क्यों अमीषा पटेल है संदूर मॉम, किसके हाथ है उत्कर्ष शर्मा का भविष्य, कैसे डायरेक्टर अनिल शर्मा और सनी देओल हुए फेल। दोस्तों, एक्ट्रेस पलक तिवारी की माँ टीवी एक्ट्रेस स्वेता तिवारी, मैंने प्यार किया की एक्ट्रेस भाग्यश्री, इन्हें संतूर मॉम क्यों कहा जाता है? अरे भाई, इसीलिए क्योंकि इनकी उम्र होती है 45 से 50 साल के बीच, पर ये फिर भी अपने बच्चों की ही उम्र की लगती है। लगता है अब अमीषा पटेल का भी यही हाल है। नहीं नहीं, अमीषा की शादी तो नहीं हुई है, पर गदर 2 में वो एक्टर उत्कर्ष शर्मा की माँ का रोल निभाने वाली है और उत्कर्ष असल जिंदगी में 29 साल के हैं। अब गदर 2 के जितने भी पिक्चर्स वायरल हुए हैं उसमें अमीषा के लुक में कोई बदलाव तो है नहीं। वैसे बदलाव होना तो चाहिए था, क्योंकि अब वो एक बड़े बेटे की माँ है और जल्द ही सासू माँ भी बनने वाली है, पर वो एकदम फिट एंड यंग दिख रही है। तो ऐसी हालात में तो अमीषा को संतूर मॉम ही कहना पड़ेगा। वैसे वो है 47 साल की, उनके हिसाब से उत्कर्ष उनके भांजे की तरह है, पर आजकल एक्ट्रेसेस खुद को इतना मेंटेन करती है कि उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। गदर 2 के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा और हमारे सनी देओल एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट है। दोनों दोस्तों ने मिलकर फिल्म में बहुत मेहनत की है। वैसे उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है ये तो भाई 11 अगस्त को ही मालूम चल पाएगा, पर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, जहाँ पर ये दोनों ही फेल हो गए। अनिल और सनी अपने बेटों को आगे लाने में नाकामयाब रहे। अनिल ने 2018 में बनाई थी फिल्म जीनियस, जिससे कि उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा का उन्होंने डेब्यू करवाया था, पर फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर 2019 में पल पल दिल के पास फिल्म बनाकर अपने बेटे करण देओल को सनी ने लॉन्च किया था, जिसके वो डायरेक्टर थे, पर वो फिल्म फ्लॉप हो गई। यानी कि अपने बेटों को बढ़िया डेब्यू देने के चक्कर में ये दोनों डायरेक्टर्स फेल हो गए। अब करण का तो कुछ पता नहीं, पर अनिल चाहते हैं कि गदर 2 में उत्कर्ष को ज़्यादा अटेंशन मिले, ताकि उत्कर्ष को आगे इसका फायदा हो। पर दूसरी ओर तो करण फिल्मी दुनिया से दूर रहकर शादी रचा रहे हैं। देखते हैं कि इन दोनों के बेटे अपने अपने करियर में क्या कमाल करते हैं। गदर 2 से अगर किसी एक्टर को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं तो वो है भाई उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष गदर फिल्म में छोटे चरणजीत बने थे और अब वो इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ पैरेलल किरदार में नजर आने वाले हैं। देखा जाए तो उनके भविष्य की डोर एक ही हाथ में है और वो हाथ है ऑडियंस का। वैसे उत्कर्ष के सर पर उनके पापा और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा का हाथ है, पर उत्कर्ष ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। उन्होंने तो एक महीने तक पार्कर ट्रेनिंग ली है। पार्कर ट्रेनिंग में एक दीवार से दूसरी दीवार पर छलांग लगाना, एक छत से दूसरी छत पर कूदना, जोर से दौड़ना, इस तरह की ट्रेनिंग शामिल होती है। अब अगर ऐसी ट्रेनिंग ली गई है, इसका मतलब कि फिल्म में जोरदार एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। वैसे ये बहुत ही रेयर ट्रेनिंग है, जो टाइगर श्रॉफ के अलावा शायद किसी और ने ली भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप गदर 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।